जेरा। हरमन एक बहुत सोहनी ते सियानी कुड़ी सी, पिंड दे सरकारी स्कूल च दसवीं जमात विच पढ़दी सी। पिंड तो बाहर ढाणी ते उसका घर सी। हर साल वो क्लास विच्चों अव्वल दर्जे ते आउंदी, वड्डियां दा सत्कार करदी, किसी का कहना ना मोड़दी। अक्सर ही स्कूल च सारे अध्यापकां दे बुल्लां ते हरमन दा नां रहिंदा। स्कूल दी मुख अध्यापका भी उस दीआं तरीफां करदी ना थकदी। सवेर दी सभा विच विद्यार्थियों नूं भी हरमन वांग बनने लई कहिंदी। जिला पद्धरी समागमां ते अक्सर ही हरमन नूं सन्मानित किया जांदा। हरमन दा परिवार भी उस दे मोढ़ियां ते लगे स्टार देखना चाहुंदा सी। रुत्तां बदलियां, सर्दियां दा मौसम आ गया, स्कूलों दे समें विच तब्दीली हुई। स्कूल दा समा 9 बजे हो गया। पिछले कुछ दिनों तो हरमन स्कूल विच हाजर ना हो सके। सवेर दी सभा विच हरमन दे हाजर ना होण करके सभा सुन्नी जापन लगी। वो हर रोज सवेर दी सभा विच विचार जो पेश करया करदी सी। कुछ दिनों बाद हरमन ने स्कूल च देर नाल आउणा शुरू कर दिता। विज्ञान दी सुनीता मैडम ने इस गल नूं नोट किया। जदों सुनीता मैडम अपना विशा पढ़ाउण लई क्लास विच आई तां उहने हरमन नूं पुछिया, हरमन तैनूं पिछले कुछ दिनों तो सवेर दी सभा च नहीं देखिया। उह कुछ ना बोली, चुप रही ते अपने डैस्क ते जाके बैठ गई। कुछ दिन होर लंघे, पीटी मैडम ने हरमन नूं स्कूल विच लेट आउण दा कारण पुछिया तां उह बिना जवाब दित्ते ही अपनी क्लास विच चली गई। हौली हौली यही गल जदों मुख अध्यापका कोल पहुंची तां मैडम ने उसनूं दफ्तर विच बुलाया ते उस तों पुछिया, हरमन जदों सारे बच्चे सवेर दी सभा विच हाजर हुंदे ने तूं क्यों नहीं हाजर हुंदी? हरमन दे कोई जवाब ना देण ते मैडम ने कहा, कल नूं तूं सवेर दी सभा विच हाजर होनी चाहीदी है। स्कूल लग्या, डग डग डगे की आवाज़ आउंदी है। सारे बच्चे स्कूल विच कतारां बना के सवेर दी सभा वल जा रहे ने। पीटी मैडम ने फिर नोट किया कि अज हरमन फिर सभा विच नहीं आई। सवेर दी सभा खत्म होने वाली सी कि वह असैंबली विच आ पहुंची। हरमन नूं देखदिआं सार ही मुख अध्यापका ने उहनूं स्टेज ते बुलाया, लेट आउण दा कारण पुछिआ ते हरमन दे चुप होण ते मैडम गुस्से विच आई, उन्हूं झिड़कना शुरू कर दिता ते कहा, जेकर कल भी सवेर दी सभा विच लेट पहुंची तो उसनूं सवेर दी सभा विच ही सज़ा दित्ती जाएगी। अगले दिन हरमन फिर सवेर दी सभा विच लेट पहुंची। मुख अध्यापका ने हरमन नूं सभा विच बुलाया, पहलां दी तरह लेट आउण दा कारण पुछिया तगों उसने कोई जवाब ना दिता। हिरख विच आ के मैडम ने एक विद्यार्थी तो सोटी मंगवा ली ते उहनूं कुटना शुरू कर दिता। हरमन दीआं अखां भर आईआं पर मूहों कुछ ना बोली, सब कुछ सहिंदी रही। हर रोज समें दी पाबंद रहण वाली कुड़ी हुण हर रोज स्कूल लेट आया करे ते मूहों भी कुछ ना बोलिया करे। मुख अध्यापका दी गैर हाजरी विच होर अध्यापक भी हरमन नाल गुस्से होण लग पए। हर रोज़ उसका अध्यापकों तो कुट खाना भी इदा प्रतीत होंदा सी जिवें यह सब भी उसकी पढ़ाई का एक हिस्सा बन गया होवे। वो हरमन गवाच गई नज़र आउंदी है जिसकी किते सवेर की सभा विच मिसाल दित्ती जांदी सी। उस वर्गे बनन लई कहा जांदा सी, अज उस वर्गे बनन तो रोकिया जांदा है। हरमन दे लेट आउण वाली हरकत करके ही उसनूं हर रोज़ कुटिया जांदा, किते किते तां बाहां खड़ियां करके मैदान दे चक्कर भी लवाए जांदे। पढ़ाई विच भी हुण पहलां वाली हरमन ना रही। क्लास विच भी अध्यापक खूब उसदी झाड़ चंब करिया करदे। खेडां ते होरां मुकाबलियां विच भी उसने हिस्सा लैणा बंद कर दिता। 4 वार उसदे परिवार नूं बच्चियां दे हाथ सुनेहा दे के हरमन दा हाल दस्सिया पर किसी ने कोई गल ना गौली, ना ही उसके घरों कोई स्कूल विच आया। हरमन का दिल पत्थर बन गया सी, जिहड़ा पिघलण का ना ही नहीं सी लै रहा। उसके सारे गुण खूबियां
गवाचे हुए लग रहे सी। अध्यापक आपस विच बैठ के हरमन दियां गल्लां करिया करदे, पता नहीं की हो गया इस कुड़ी नूं, किन्नी हुशियार हुंदी सी, क्लास विच भी जे कुछ पुछिए तां जवाब नहीं दिंदी, ना किसे नाल बोलदी आ ना हसदी आ, पता नहीं की हो गया इहनूं, हर रोज़ कुट खांदी ए सवेर दी सभा विच। सारे विद्यार्थी हसदे ने इसते पर इसनूं लगदी नहीं। कई दिन होर लंघे, सोमवार दा दिन सी, स्कूल विच पहलां दी तरह डग्गे दे खड़कण दी आवाज आई, पर इस वार हरमन लेट नहीं सी। इस वार वह अपनी क्लास की कतार विच सब तो मूहरे तुरी जा रही सी। सारे अध्यापक सवेर दी सभा विच एकत्र होए। अचानक सुनीता मैडम दा ध्यान दसवीं क्लास वाली कतार ते पिया। वह हैरान रह गई कि अज हरमन सवेर दी सभा विच। उन्हें मुख अध्यापकां नूं दस्या, प्रार्थना तो बाद राष्ट्री गान जदों समाप्त होया तां मुख अध्यापकां ने सवेर दी सभा विच चंगे विचार देण तों बाद हरमन नूं स्टेज ते बुलाया। उस दे अज समय सिर स्कूल पहुंचण ते विद्यार्थियों कोलों कलैपिंग करवाई। मैडम ने उसनूं स्पीकर कोल आउण लई कहा ते उहनूं कहा कि सारिआं नूं दसे कि अज समय सिर स्कूल पहुंचण दा की कारण है। हरमन ने ना दसना चाहिआ। मैडम ने गल हासे विच लैंदे हुए आख्या, अगे तां लेट आउण करके कुट पैंदी सी ते जे अज लेट आउण दा कारण ना दस्सिआ तां फिर कुट जरूर पवेगी। विद्यार्थी ते अध्यापकां दे चेहरे ते हल्की जी मुस्कराहट आई। मुख अध्यापकां दे इक दो वार कहण ते हरमन ने दस्सिआ, मैडम तकरीबन दो तीन महीने पहलां दी गल है, सर्दी ज़्यादा होण करके धुंद भी बहुत ज़्यादा सी, असीं सारे मैं मम्मी डैडी ते मेरा भरा कार ते घूमण लई जा रहे सी। मम्मी ने डैडी नूं कार बहुत हौली चलाउण लई कहा सी। मैं ते मेरा वीरा असीं कार दी पिछली सीट ते बैठे सी ते असीं मोबाइल ते गेम खेडण लई लड़ रहे सी। डैडी दा ध्यान मम्मी दीआं गल्लां विच सी। धुंद ज़्यादा होण करके सानूं पता ही नहीं लग्गिआ कि कदों एक ट्रक साड़ी कार विच आ वज्जिआ। हादसा इन्ना भयानक सी कि डैडी दी तां मौके ते ही मौत हो गई, मम्मी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। उस हादसे विच मेरे भरा दीआं दोनों लत्तां वड्डीआं गईआं, मेरे शरीर ते भी किते किते सट लगी पर मैं बच गई। हादसे दे हुंदिआं नूं देख उत्थों दे लोकां ने सानूं नेड़े दे हस्पताल विच दाखल करवाया। मम्मी कोलों बोलिआ नहीं सी जांदा, मैं बाहर खड़ी रोई जांदी सी ते रब अगे अरदासां करी जांदी सी। अचानक माँ ने मैनूं इशारा करके अंदर बुलाया, कहण लगी, धीए मेरा कोई पता नहीं, मैं कदों इस दुनिया तों तुर जावां, तेरे वीरे दीआं लत्तां वड्डीआं गईआं ने, उसकी देख रेख करी, जिन्नी उसकी सेवा करेंगी उन्ना ही तैनू पुन मिलेगा। इस हादसे बारे किसी नू दसी ना, लोग तो अगे ही बहुत गल्लां बनाउंदे ने। लोकां दीआं गल्लां दुखों तां आपां घर पिंडों बाहर पाया है। मैं हस्पताल विच मम्मी ते वीरे दी बहुत सेवा कीती। तीन दिनां बाद मेरी माँ उस हस्पताल विच दम तोड़ गई। उस रात ही मैनू ते वीरे नूं उत्थों दे लोग साढ़े घर छड़ गए। मैं हर रोज़ वीरे दी सेवा करिया करदी, उसनू दवाई देनी, रोटी बनाउणा ते खवाउणा, उसदी हर गल दा ध्यान रखदी सी। वीरे दी देख रेख विच ही मैं लेट हो जांदी सी। अज मैं इस करके स्कूल आई हाँ क्योंकि कल मेरा वीरा भी इस दुनिया तों चल वसिया। अज तो मैं समय सिर स्कूल आया करांगी। हरमन दीआं गल्लां सुन अध्यापकां ते बच्चिआं दीआं अखां भर आईआं। हरमन दे हौसले दी दाद दिंदिआं मुख अध्यापकां ने उसनूं सीने नाल लाया, कहण लगी, मैं माण करदी हाँ, मैनूं माण है हरमन ते, किन्ना जेरा है इहदे च, हो सकदा है मैं भी इस वर्गी ना होवां, मेरे विच भी बहुत कमियां होण। मुख अध्यापकां ने हरमन नूं घुट के जप्पी पाई ते सारिआं नूं हरमन वांग बनन लई आख्या।